कांग्रेस पार्टी में को कहते हैं ना, एक कहावत है, एक मुहावरा है, अपनी डफली अपना राख। कांग्रेस में कहीं कोई संगठन नहीं है, इनके तो जितने नेता हैं उनका अपना एक संगठन है। मुझे नहीं लगता कि पूछताछ कहीं कोई गलत है, और पूछताछ के बाद जो भी बात सामने आएगी उसके बाद आगे की बातें तय होगी, किस प्रकार से आगे किस के खिलाफ एक्शन होना है, किसके खिलाफ नहीं होना। देखिए, बहुत सामान्य चीजें हैं पूछताछ, जहाँ आम आदमी से किसी विषय में हो सकती है, किसी भी केस में हो सकती है। टैक्स विभाग है, कुछ दूसरे विभाग हैं, एक्साइज विभाग है, अलग अलग व्यापारी गणों से भी बात करता है। तो जिनके खिलाफ इस प्रकार के कोई इशू आते हैं उस प्रकार की बातें होती हैं, और ये राजनीति में स्वाभाविक है। और मुझे नहीं लगता कि पूछताछ कहीं कोई गलत है, और पूछताछ के बाद जो भी बात सामने आएगी उसके बाद आगे की बातें तय होगी, किस प्रकार से आगे किस के खिलाफ एक्शन होना है, किसके खिलाफ नहीं होना। सर, एक और सवाल है सर, हालांकि कांग्रेस का सवाल है, उनके संगठन से जुड़ा है सर, लेकिन आप हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति कैसे देखते हैं, क्योंकि आज तीन नेता जो हैं वो हिसार से कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू कर रही है, जबकि उनके प्रभारी कह रहे हैं कि ये अधिकृत कार्यक्रम नहीं है। दूसरी तरफ दूसरा धड़ा है वो अपनी कार्यक्रम चला रहा है, सर कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में को कहते हैं ना, एक कहावत है, एक मुहावरा है, अपनी डफली अपना राख। कांग्रेस में कहीं कोई संगठन नहीं है, इनके तो जितने नेता हैं उनका अपना एक संगठन है, जितने नेता हैं उनका अपना एक नीति निर्धारण का जो पार्टी की पॉलिसी तय करता, उनका एक अपना सिस्टम है। कहीं कोई, हम लोग देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में किसी भी प्रकार का इनका कोई संगठन बेस्ड काम नहीं हो करके अलग अलग नेता अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने राग को अलाप रहा है। और निश्चित रूप से हम देखते आ रहे हैं पिछले कई सालों से ये लोग अपना संगठन तक नहीं बना पाए। हम लोगों ने पहले अशोक तंवर को देखा, उसके बाद कुमारी शैलजा को देखा, अब हम उदय भांजी को देख रहे हैं। तो ये पहले भी इसी प्रकार से एक नाकामयाबी का दौर इन लोगों का रहा है, और भविष्य में भी ये पार्टी इसी प्रकार से रहेगी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जैसे दल जो आज केंद्र में भी सरकार चला रहे हैं, हरियाणा में भी सरकार चला रहे हैं, हमने ग्रास रूट लेवल पर अपने संगठन को मजबूत करते हुए अपने चुनाव को भी गति देने का काम शुरू कर दिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।